अगर तबादले नहीं होंगे तो वोट नहीं देंगे। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए इस महासंघ के जो अध्यक्ष हैं हरपाल दादरवाल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादरवाल जी, क्या है ये वोट क्यों नहीं? हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे विभाग के अंदर सभी के स्थानांतरण किए गए पौने 5 साल के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर 22 बार शिक्षा मंत्री, अन्य मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री ने मिलकर 22 बार हमें आश्वासन दिया कि हमें स्थानांतर करेंगे। यहाँ तक कि हमारे 85,000 शिक्षकों से उन्होंने आवेदन भी ले लिए। आज अपने आप को ये आवेदन किए हुए शिक्षक और जो पीटीआई हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा राजस्थान में है नहीं, 4-5 हज़ार, यदि उनका स्थानांतरण कर दें तो जो नई भर्ती आ रही है उसमें पद भर सकते हैं वहाँ के। यदि उनका स्थानांतरण नहीं किया और नई भर्ती में पद स्थापन हो गया तो सीटें भर जाएंगी, उनका स्थानांतरण एक सपना बन के रह जाएगा। सरकार और आपके बीच में हर बार ये देखा जाता है कि हर सरकार और हर बार शिक्षकों की एक मतभेद जो है वो चलता रहता है ट्रांसफरों को लेकर, क्यों? हम तो सरकार से चाहते हैं कि कोई स्थायी इसका समाधान करें। और जब कल्ला जी शिक्षा मंत्री बने थे, कल्ला जी ने कहा था कि मैं लगभग 1 महीने में पॉलिसी दे दूंगा। देश का संविधान 2 वर्ष 18 माह 11 दिन में बन गया था। आज कल्ला जी को भी शिक्षा मंत्री पहले रह लिए, 5 साल पहले रह लिए थे, अब भी बने लगभग 3 साल हो गए कल्ला जी को। कल्ला जी से एक पॉलिसी नहीं बन पाई। कल्ला जी कभी तो कहते हैं DOB में है, कभी कहते हैं कैबिनेट में है पॉलिसी, और ये सिर्फ पॉलिसी का जुमला दे रहे हैं। क्या पॉलिसी है एक बार ये देना। पॉलिसी यह है सर कि सरकार ये चाहती है कि हम किसी प्रकार को राहत दें। पॉलिसी यह है कि सरकार पॉलिसी के नाम पर टालना चाहती है। पॉलिसी हमने बना के रख रखी है। क्या पॉलिसी है? पॉलिसी यह है कि आप बीमारी, गंभीर बीमारी, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता, शेष महिलाएं, पति पति प्रकरण वाले, इनको आप राहत देंगे और कुछ क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि इतने दिन बाद में जिनकी नियुक्ति हो गई उनका ट्रांसफर करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केवल थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए पॉलिसी क्यों? आपने प्रिंसिपल से लेकर चपड़ासी के ट्रांसफर डिजायर सिस्टम से कर दिया। थर्ड ग्रेड कितने टीचर्स हैं राजस्थान में? राजस्थान में के अंदर लगभग थर्ड ग्रेड के टीचर वर्तमान में जो स्वीकृत पद हैं, जो पदस्थापन है, 2.5 लाख के आसपास है। 2.5 लाख और बाकी टीचर कितने? बाकी टीचर हैं 4.5 लाख के आसपास हैं। टोटल 4.5 लाख हैं कि आप थर्ड ग्रेड को अलग हटा के या मिला के? मिला के, कंप्लीट मिला के 4.5 लाख हैं और थर्ड ग्रेड केवल 2.5 लाख है। तो ये तो जब 2.5 लाख 50% आप हो तो पॉलिसी आपके लिए बनेगी। तो पॉलिसी इसलिए बनेगी, कारण क्या है कि 2.5 लाख पूरे ट्रांसफर चाहते ही नहीं ना। अच्छा एक चीज बताओ, आम जन के अंदर भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है दादरवाल साहब, कि लोग ये कहते हैं कि हर टीचर अगर अपने घर ही आ जाएगा तो उन ग्रामीण इलाकों का क्या होगा जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल खुले हुए? तो ये बात मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने प्रिंसिपल, लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक का ट्रांसफर उन क्षेत्र से कर लाए, परिवार का मुखिया आप वहां से ले आए, कई कई सीनियर स्कूलों के अंदर थर्ड ग्रेड का मास्टर प्रिंसिपल बनकर बैठा है, सरकार को वो भी सोचना चाहिए ना। यदि आप ये समानता का नियम सब पे लागू कर रहे हैं तो क्या फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर के लिए, प्रिंसिपल के लिए वो बच्चे नहीं हैं? उनको आपने शिथिलता दी। हम तो सरकार से चाह रहे हैं कि एक बार आप ट्रांसफर कर दीजिए, यदि आपकी सरकार रिपीट होती है तो आप हमारे से सुझाव, हम भी सुझाव दे रहे हैं। आपने जो 5 साल में नीति, आपने जो नीति बनाई है, नीति क्या कहती है शॉर्ट एंड स्वीट में? हमारी नीति ये कहती है कि आप सरकार के पास में यदि संख्या ज्यादा है, ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो कम से कम गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक, विकलांग शिक्षक, विधवा महिला शिक्षक, परित्यक्ता महिला शिक्षक, शेष महिलाएं और पति पत्र प्रकरण, इनका ट्रांसफर आप एक रोस्टर पति, पति, पति पत्नी प्रकरण का मतलब क्या हुआ? जिसका पति कहीं हो, हाँ, जिसमें एक पति बाड़मेर है, पत्नी भी अपने पूर्वी राजस्थान में है, वो दूर है, उनकी पारिवारिक, उनका पूरा का पूरा ढांचा बिगड़ चुका है, बाल बच्चे और कहीं है, माता पिता और कहीं है, कम से कम उनको ये जगह नियुक्ति दो। एक सवाल और पूछना चाहते हैं, आज इतना बेरोजगारी का आलम है और आप लोग तो भगवान की कृपा से आप लोगों को नौकरी मिल गई है, आपकी मेहनत से आपको नौकरी मिल गई है, नौकरी मिलने के बाद में अब आप नई मुहिम चला रहे हो कि हमको ट्रांसफर करके वहीं लेके आओ जहां माना चाहते हैं। हम ये मुहिम नहीं चला रहे, ये हमारा राइट है। सरकार सभी का कर रही है तो इनका क्यों नहीं कर रही, और सरकार करना ही नहीं चाहती तो ये 22 बार झूठ क्यों बोला गया? 22 बार क्या बोला गया? चुनाव में आएंगे, पार्टी सरकार बनती है तो हम ट्रांसफर करेंगे, लोकसभा चुनाव बाद करेंगे, लोकसभा के आचार संहिता बाद में करेंगे। पॉइंट आपने इसमें लिख रखे हैं, ये कांग्रेस के मेमोरेंडम में थे क्या पिछली बार? ये मेमोरेंडम में था, ये 2018 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आते ही तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण करेगी, ये उनके मेमोरेंडम था कि हम इनका ट्रांसफर करेंगे। यानी कि ये विषय आप देख लीजिए कि जो
टीचर्स का जो ट्रांसफर का विषय है ये इतना महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के बड़े बड़े विषय इसके आगे आके गौन हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। और कांग्रेस ने अपने 2018 के मेमोरेंडम में भी जो ये बता रहे हैं उसके अंदर भी इन थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर के विषय को लिया है। अब आते हैं आपके इस विषय के ऊपर, आपने स्पष्ट लिख रखा है अध्यापक और उनके परिजनों ने ठाना है तबादला नहीं तो वोट नहीं देना है। तो आपको क्या लग रहा है, ये वोट नहीं दोगे तो क्या सरकार को आप दबा पाओगे, ब्लैकमेल कर पाओगे? ब्लैकमेल नहीं कर रही, क्योंकि सरकारें इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर मतदान किस द्वारा बनती है। यदि हम मतदान ही नहीं करेंगे और इस सरकार ने यदि थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर नहीं किया, शिक्षक दुखी है, उनके परिजन दुखी हैं, एक बूढ़ी माँ बाप और एक बाल उनके बच्चे जो इनको इस समय सबसे ज़्यादा अपनी माँ और बाप की जरूरत है, एक बूढ़े माँ बाप को बेटे और बेटी की जरूरत है, यदि वो पास नहीं आ पा रहे तो दुखी हैं, और वो दुखी हैं तो शायद मतदान करते समय उनके मन से ये पीड़ा तो आएगी कि इस सरकार ने मेरे बच्चे को मेरे घर पर नहीं लाए, जबकि सबको ले आए, सबको नहीं लाते ना कोई टीचर। टीचर की ड्यूटी तो वोट डलाने में भी पड़ती है, आप वोट नहीं देना है ये तो चलो आपका अधिकार है, ये तो वोट आप डलवाओगे भी उसमें कितना प्रभाव डालोगे? कम से कम एक शिक्षक ज्यादा भी नहीं तो मेरा व्यक्तिगत है कि बीएलओ भी थर्ड ग्रेड का टीचर है सारा, और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल लाने वाला शिक्षक है, और चुनाव करवाने वाला भी शिक्षक है। तो अब देख लो आप मत ट्रांसफर की चाहत रखने वाले 85,000 ने आवेदन किया था, एक शिक्षक ने ठान लिया तो 50-60 वोट ऊपर नीचे कर ही सकता है। एक शिक्षक अगर 50-60 वोट ऊपर नीचे कर देगा तो राजस्थान में बहुत बड़ा समीकरण ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये आप सीधे रूप से सरकार को सीधे सीधे धमका रहे हो, तो क्या सरकार को आप दबा पाओगे, ब्लैकमेल कर पाओगे? ब्लैकमेल नहीं कर रही, क्योंकि सरकारें इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर मतदान किस द्वारा बनती है। यदि हम मतदान ही नहीं करेंगे और इस सरकार ने यदि थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर नहीं किया, शिक्षक दुखी है, उनके परिजन दुखी हैं, एक बूढ़ी माँ बाप और एक बाल उनके बच्चे जो इनको इस समय सबसे ज़्यादा अपनी माँ और बाप की जरूरत है, एक बूढ़े माँ बाप को बेटे और बेटी की जरूरत है, यदि वो पास नहीं आ पा रहे तो दुखी हैं, और वो दुखी हैं तो शायद मतदान करते समय उनके मन से ये पीड़ा तो आएगी कि इस सरकार ने मेरे बच्चे को मेरे घर पर नहीं लाए, जबकि सबको ले आए, सबको नहीं लाते ना कोई। टीचर की ड्यूटी तो वोट डलाने में भी पड़ती है, आप वोट नहीं देना है ये तो चलो आपका अधिकार है, ये तो वोट आप डलवाओगे भी उसमें कितना प्रभाव डालोगे? कम से कम एक शिक्षक ज्यादा भी नहीं तो मेरा व्यक्तिगत है कि बीएलओ भी थर्ड ग्रेड का टीचर है सारा, और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल लाने वाला शिक्षक है, और चुनाव करवाने वाला भी शिक्षक है। तो अब देख लो आप मत ट्रांसफर की चाहत रखने वाले 85,000 ने आवेदन किया था, एक शिक्षक ने ठान लिया तो 50-60 वोट ऊपर नीचे कर ही सकता है। एक शिक्षक अगर 50-60 वोट ऊपर नीचे कर देगा तो राजस्थान में बहुत बड़ा समीकरण ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये आप सीधे रूप से सरकार को सीधे सीधे धमका रहे हो? धमका नहीं रहे हम तो सरकार को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मतदान की गणित गणित के आंकड़ों के हिसाब से तो उसको धमकाना नहीं कहेंगे, तो आप उसको प्रलोभन देना कह लेते हैं। चलो ये अच्छा शब्द, मैं आपको बताऊं कि पिछली बार सरकार का गठन है कुछ ही लाखों के अंतराल से हुआ था, और वो तो लाखों की गणित है, वो मास्टरों ने बिगाड़ी थी। और ये स्वीकार गहलोत साहब ने पहले भी कर लिया एक इंटरव्यू में कि कर्मचारियों की नाराजगी, एक बार शिक्षकों ने हड़ताल की थी, पहला चुनाव जो बने थे फिर हार गए थे, और जो पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार थी उसका चुनाव हारने के पीछे भी शिक्षक ही थे। शिक्षक आचार संहिता लग रही तब तक आंदोलन थे, और आचार संहिता लगी जब आंदोलन के तम उकाड़ के ले गए थे। एक सवाल और का जवाब और दे दो आप, बस इतना बता दो कि अगर कोई सरकार आती है तो कितनी बार उसको थर्ड ग्रेड टीचरों के 5 साल के पीरियड में ट्रांसफर कर देने चाहिए, जो थर्ड ग्रेड टीचर ये माहौल जो आप बता रहे हो ये ना बिगाड़े? हम तो ये चाहते हैं कि एक बार तो जिस प्रक्रिया से प्रिंसिपल, लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक और चपरासी का ट्रांसफर किया, उस प्रक्रिया से ट्रांसफर कर दो, बाकी फिर आप जो भी नीति बनाओ सबके लिए लागू करो, चाहे साल में एक ही बार करो, नीति बन जाए और सबके ऊपर लागू हो जाए। लेकिन आपका आंकड़ा ही 2.5 लाख है भाई साहब। अच्छा, ये उनका क्या होगा जो बांस झालावाड़ आपके बाड़मेर से यहाँ आ जाएंगे, जैसलमेर से यहाँ जाएंगे, वहां कौन जाएगा? मैं यह बात आपको पहले बता चुका सरकार को, ये मैं कह रहा हूँ 48,000 की नई वैकेंसी है, आप 48,000 को उधर दे दो ना, आप हमारे ट्रांसफर कर दो, रिलीव जब ही करो, जब नया शिक्षक पदस्थापन हो जब आप रिलीव कर दो, कोई मना नहीं है, हमने ये इनको रोस्टर के जो प्रणाली का तरीका है ट्रांसफर करने वो भी दिया है इनको, लेकिन करने की नीयत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती, और
हम आंदोलन उठाते हैं, हमारे ऊपर चार्जशीट चालू कर दी जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है। पहले भी मेरे को 9 महीने तक सस्पेंड करके बीकानेर लगा दिया था, चार्जशीट आज भी चल रही है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपसे मैं कर रहा हूँ तभी मैं राजकीय सेवा में हूँ, सुबह तक मैं राजकीय सेवा में एक निलंबित कर्मचारी। मुख्यमंत्री तो थर्ड ग्रेड टीचरों का काफ़ी सपोर्ट करते आए। मुख्यमंत्री ने तो एक भरी सभा के अंदर पूछा भी था कि भाई थर्ड ग्रेड टीचरों को कोई तकलीफ तो नहीं है, पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ते तबादले के, आप उस मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों खड़े हो? मुख्यमंत्री ने नहीं पूछा, वो तो शिक्षकों ने कहने वाले हम ही थे। उस समय मैं सस्पेंड चल रहा था और उस समय तबादलों को आंदोलन उसी समय से चल रही थे। मुख्यमंत्री जी को तो डोटासरा जी को विदा करना था और ये मास्टरों के नाम पे ये कहना था अपनी लबावाई लूटनी थी। मुख्यमंत्री जी को डोटासरा जी शिक्षा मंत्री पद से हटाना था और दूसरे को बनाना था, एक पद एक सिद्धांत, और ये एक उन्हीं के आदमियों ने वहाँ कहा था ये बात, कोई बड़ाई नहीं है। तो आप सब जानते हो कि राजनीति में क्या क्या नहीं होता। नहीं, हम तो नहीं जानते, हम इसलिए तो आपसे समझना चाह रहे हैं। आप सब जानते हो राजनीति में क्या होता है क्या नहीं होता। मुख्यमंत्री साहब ने तो बुला के पिछले समय आई लव यू बुलवाए थे। तो साहब ये आप सुन रहे थे राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष को। सरकार कोई सी भी हो, ये जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स हैं ये राजनीति की धुरी में बीच में कहीं ना कहीं फिट हैं। अब देखना ये है कि जो ये इनका इन्होंने आह्वान किया है, नारा दिया है तबादला नहीं तो वोट नहीं देना है, इनके और इनके परिजनों ने ठाना है, अब सरकार इसके ऊपर कितना अमल करती है, इनको कितना रिलीफ दे पाती है, क्या इस प्रकार की जो कोई समिति बनाने की बात की जा रही है वो नीति या समिति आती है, ये सब मुख्यमंत्री के हाथ में है। मुख्यमंत्री इस पर कैसे विचार करते हैं? इन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है क्योंकि ये काफ़ी वोटरों को प्रभावित करते हैं। इन्होंने साफ किया है 85,000 लोग, 50-50 वोट को एक आदमी प्रभावित करेगा, तो सीएम साहब जरूर इसके ऊपर विचार तो करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भाई आपकी हम सरदार शहर जा रहे हैं लेके, जहाँ से मुख्यमंत्री निर्वाचित होके आते हैं, और हम बीकानेर भी जाएंगे और पीसी चीफ के विधानसभा चेयर लक्ष्मण भी जाएंगे। अब रुकेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, विधायी ट्रांसफर तो होंगे चाहे सरकार का हो चाहे अध्यापकों का हो। अब 20-25 दिन बचे हैं साहब, इन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि ट्रांसफर होंगे और आचार संहिता लगने से पहले पहले होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए, जयपुर से मैं आशीष। ताज़ा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।